राष्ट्रीय विकलांग पार्टी द्वारा विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में मनाते हुए सरसैया घाट पर धरना दिया गया व काला झंडा लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया गया। मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन सौंपा गया। धरना को संबोधित करते हुए पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव वीरेंद्र कुमार ने कहा कि जब तक एक भी विकलांग बेरोजगारी व भुखमरी का शिकार है, तब तक विश्व विकलांग दिवस मनाना बेमानी है। सरकार विकलांग व्यक्तियों के अधिकारों को देने से पीछे हट रही है और उनके अधिकार जो पहले से प्राप्त हैं उन अधिकारों को खत्म कर रही है। सरकार ने दिव्यांगजन अधिनियम 2016 बनाया, उस अधिनियम का पालन आज तक पूरे उत्तर प्रदेश व पूरे देश में नहीं हुआ। वीरेंद्र कुमार ने कहा कि विकलांग व्यक्तियों को नौकरी, रोजगार, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देने के लिए सामाजिक समानता कानून सरकार को बनाना चाहिए। सरकार विकलांग व्यक्तियों के प्रति ईमानदार नहीं है। आज नौकरियों में आरक्षण कोटा पूरा करने, सभी को आवास देने, निःशुल्क इलाज के लिए आयुष्मान कार्ड बनाने, प्राथमिक से लेकर उच्च शिक्षा की निःशुल्क व्यवस्था करवाने, रेलवे बस स्टेशनों पर दुकान या दुकानों के लिए स्थान उपलब्ध करवाने की मांग की गई। आज के धरना प्रदर्शन में वीरेंद्र कुमार, प्रोफेसर वी एन पाल, अल्पना कुमारी, राहुल कुमार, आनंद तिवारी, अशोक कुमार, शिवदेवी सिंह चौहान, कृष्ण कुमार सिंह, अरविंद सिंह, वैभव दीक्षित, संतोष विश्वकर्मा, पवन राणे, गुड्डी दीक्षित, बंगाली शर्मा, राम कुमार गुप्ता, गंगा सागर, सत्य प्रकाश शुक्ला, अर्जुन, आशीष आदि शामिल थे। आज विश्व विकलांग दिवस सरकार मना रही है और हम विश्व विकलांग दिवस को काला दिवस के रूप में यहाँ मनाकर धरना दे रहे हैं। जिलाधिकारी कार्यालय पर काला झंडा लेकर प्रदर्शन करें। सरकार ने विकलांग व्यक्तियों का नाम बदल के दिव्यांग कर दिया। सरकार से अगर पूछा जाए कि विकलांग व्यक्तियों को क्या नौकरी दी, रोजगार दिया, सामाजिक सुरक्षा की गारंटी दी, नौकरी की गारंटी दी, आवास दिया, दुकान संचालन के लिए जगह दी, कुछ भी नहीं दिया सरकार ने। पेंशन जो दिल्ली के अंदर 5,000 रुपया है, वो यूपी के अंदर 500 है, ये विडंबना है इस देश की। इस देश के अंदर असमानता का भाव है। जो रिजर्वेशन विकलांग व्यक्तियों को पूर्व से मिलता चला आ रहा है, वो चाहे अर्धसैनिक बलों में रहा हो, चाहे केंद्रीय सुरक्षा बलों में रहा हो, चाहे वो आरपीएफ और जीआरपी में रहा हो, इस सरकार ने ख़त्म करने का काम किया है। तो हम क्यों विश्व विकलांग दिवस मनाएं? हम काला दिवस मनाते हैं, इस सरकार का विरोध करते हैं और लड़ेंगे इस सरकार से। आने वाले चुनाव में राष्ट्रीय विकलांग पार्टी भी अपने प्रत्याशी उतार करके इनको जवाब देगी, अपने वोट बैंक को मजबूत करेगी। करोड़ों की संख्या में हमारे जो विकलांग साथी हैं वो अब मैदान में उतर चुके हैं। अब हम लड़ेंगे इस सरकार से, और ये सरकार नहीं, जो भी सरकार विकलांग व्यक्तियों के साथ अन्याय करेगी, हम उसका मुंह तोड़ जवाब देंगे। हम हैं एक्सप्रेस न्यूज़ भारत, आइए हमारे साथ जुड़ने के लिए संपर्क करें।